आई पी एल टेंशन आउट और काफ़ी टीम्स का तो यही है कि हे प्रभु हे हरी ये क्या हुई भाई बहुत लोगों का ये क्या है कि ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या फिर कम मिल रहे हैं

दस लाख कटे हैं बट फिर भी पता नहीं रोहित शर्मा को भी हाँ तो हम इस वीडियो में पूरी यह टेंशन की बात करते हैं आ, किस से, से स्टार्ट करें तू बता तू पंजाब से स्टार्ट करता है हमेशा मैं तो पंजाब से ही कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम है उन पे बात करने हाँ। के लिए उन्होंने सिर्फ साढ़े नौ करोड़ रुपए खर्चे हैं बाकी टीमें ऑक्शन में पर्स लेके जाएंगी लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब लेके जा रही है थैला इतना एक सौ दस पॉइंट पांच करोड़ रुपए लेके वो जाएंगी बिल्कुल होटल से ऑक्शन जब जारी होंगे प्रीति घंटा अगर आप उन्हें किडनैप कर लेते हैं तो, तो आई थिंक यू आर डन मतलब पंजाब में रिचेस्ट मैन हाँ। पंजाब में और यार चंडीगढ़ के लोग इतने कंजूस है नहीं वैसे देखो तो मैं बताऊँ पंजाबी आर नोन फॉर कंजूसी दिखा मतलब दी तो तो हाँ। <laughs> तो है मांगे। <laughs> उसको दिए नहीं और पता नहीं मतलब जो रिटेन किए हैं ठीक है रिटर्न दोनों बंदे सही किए बट डेफिनेटली अर्षदीप को और करना चाहिए सिंह को देने साढ़े पांच करोड़ चार भी दे सकते थे पर कहा थ्री बी को फोर बी कर देते हाँ मतलब पहले आता शायद पंचकुला में हाँ, थोड़ा सा और आउटस्कर्ट में अब चंडीगढ़ में आ जाए चंडीगढ़ मेन हाँ, सेक्टर हाँ, बाईस है एक वो हाँ, हाँ, बहुत महंगा है, हाँ, है तो वहाँ मिलते हैं तो वहां मिल जाएगा शशांक सिंह के साथ परमसिमरन सिंह की भी बहुत इज्जत करी है उसको भी चार करोड़ दिए टोटल हाँ, मनी स्पेंट इनका साढ़े नौ करोड़ है और सैलरी पर्स अवेलेबल वही टेन पॉइंट पर्स नहीं है अगेन थैला है भाई बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास बट मुझे यही लगता है कि अर्शदीप का मैं सीधा पूछूंगा अठारह का मिल जाएगा मैंने या कम का

तो अगर पंजाब किंग्स के पास थोड़ा दिमाग होगा और अगर उनको इसको तो तो करेगी करेगी। देख दे चल देखते हा, ते ते तो कितने मिलते हैं वो ऋषभ है भी विल यू बी और नॉट तो ये हो सकता है बट चार टीम कार्ड पंजाब किंग्स के पास ऑन टू नेक्स्ट टीम नेक्स्ट टीम भाई डेली जिन्होंने अगेन सेम गलती की अपने लड़कों को बाइक नहीं दिलवाई जिद करते रह गए उनके लड़के ट्वीट पे ऐसा डाल रहे थे कि पापा मुझे प्यार करते हैं कि नहीं हाँ। पापा ने नहीं पढ़ा कुछ भी ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया है जो मेरे हिसाब से इस ऑक्शन का सबसे बड़ा ब्लंडर है भाई आज की सबसे बड़ी रिलीज कौन सी है हाँ। हाँ। सिंघम ना 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 ऋषभ पंत इज द बिगेस्ट रिलीज भाई और यही बंदा बॉक्स ऑफिस में सबसे ज्यादा कमा के जाएगा अगर ऑप्शन में आ जाए मैं तो आज के बाद कभी भी ऋषभ पंत के ट्वीट को लाइटली नहीं ले रहा नेवर, नेवर, एवर रात को दो तीन बजे ट्वीट किया था कुछ सोचे करा होगा ये कपिल शर्मा

ओपनर्स दोनों फिर आउट। अक्षर पटेल साढ़े सोलह करोड़ सब कहते हैं अक्षर पटेल को नहीं मिलता। किसी के साथ इंसाफ किया है।, तो वो अक्षर के साथ किया है वो अपने पीक पे है भाई वर्ल्ड कप फाइनल में लिटरली उसने परफॉर्म किया है मारे अक्षर पटेल ने वर्ल्ड कप फाइनल भी एक थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं भाई अपने हिस्से का वो कर गया था ठीक है उसने परफॉर्म किया हाँ, है उसको उसका रिवॉर्ड मिला है अब कैप्टन बनेगा कि नहीं वो मुझे नहीं लगता है लोग बोल रहे हैं तेरह पॉइंट पच्चीस करोड़ ये तो कि कुलदीप यादव अपना फुटबॉल क्लब शुरू करने के लिए कितने पैसे जोड़ पाए ये यहाँ से उसमें ही जाएंगे मेसी के ऊपर थोड़ा डोनेट करने के लिए मेहसी के फैन पेजेस बनाने के लिए कुलदीप यादव को थोड़े हाँ, पैसे मिल गए ट्रिस्टन स्टब्स दस करोड़ बनते हैं ऑप्शन में भी आता तो ले, आता। ले आता। एंड से नीचे इससे सब बहुत, सब बहुत... किया दिल्ली को नहीं बहुत तगड़ा बैटर भी है भाई हाँ भाई अरुण जेटली के विकेट में नीचे से बहुत रन मार रहा है अभी चार मैच की सीरीज होगी उसमें ये लीडिंग वाला है। वाला। इंडिया जो मैच आ रहेगी यस अच्छा बाय ठीक है मतलब अबाउट ऐसा डोमेस्टिक में भाई नेक्स्ट बिग थिंग अब इसका यही चल रहा था कि दादा चले गए तो क्या इसे रखेंगे नहीं रखेंगे तो रख लिया है ये तो ठीक है अब लेकिन इन्होंने जिनको रखा है

कलेश हो जाए कि भाई वापस से डीसी उसके लिए पैडल उठा दे आरटीएम टी एम कर दे मजा आ जाएगा वो होगा एप्सोलूट सिनेमा तेरे को चाहिए अब डीसी में फिर से हाँ, ऐसा बेचेंगे भी हम खरीदेंगे भी हम अच्छा कलेश चाहिए मुझे तो भाई मेरे को चाहिए राहुल चलो वेलकम टू दैट लखनऊ भी आते हाँ लखनऊ में आते हैं मैंने तो सुना है कि राहुल हैज गिवन मनी टू स्टे अवे अभी लखनऊ पे हम प्लीज अटैक उत नहीं करे जितने सह पाए इसलिए कुछ L नहीं है भाई हमारा एक दोस्त गया है पांच और दोस्त रिटेन हुए ah. कि जिन पांचों लोगों को पैसे मिल रहे हैं पांचों से मेरी दोस्ती है ah. ऐसे दोस्त नहीं है मेरे कि भाई भाई आज यूपीआई नहीं चल रहा है ये नहीं सबके खाते में अब करोड़ों रुपए होंगे सब तेरे व्हाट्सएप पे है यस yes. निकुलस पुरन भी है yes. क्या बात है भाई इक्कीस <laughs> करोड़ मिले निकुलस पुरन को पहले तो विराट <laughs> कोहली जितने पैसे पूरन को मिले <laughs> बनते हैं एंड करंटली ही इज द बेस्ट बैटर इन टी ट्वेंटी

बस राहुल को, think, मुझे ऐसा लगता है अच्छा चेन्नई अच्छा। क्योंकि जिन भी लोगों के थर्टीज में थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे होते हैं सब फिक्स हो जाता है जैसे वो चेन्नई जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास रहाने से लेके आशीष नेहरा तक कुछ भी हो बेस्ट थेरेपी जो होती है वो थाला के अंडर होती है हील कर देते हैं आपको फिक्स कर देते हैं तो मैं चाहता हूँ वहां जाए राहुल मेरी सेकंड फेवरेट टीम भी है सी एस के मुझे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लोडेड प्रेशर भी नहीं होगा नहीं। कि भाई किसको चीयर करें सो आई करेंट हिम देर ठीक है तो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो रिटेन किए उन्होंने पांच किए हैं आरटीएम इनके पास एक है लखनऊ के पास सैलरी पर्स अवेलेबल इन ऑक्शन है 69 करोड़ आरटीएम तो मैं प्रे करता हूँ ये मेरे लिए यूज करें अच्छा राइट टू मैथ से मुझे वापस वेस्ट 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 करें यानी वेस्ट कर कोई दिक्कत नहीं पांच अच्छी रिटेंशन की है वेस्ट भी कर लें यार चलेगा ठीक है भाई सैलरी क्या अवेलेबल अगेन 69 करोड़ है लॉट ऑफ मनी है, हाँ मतलब हाँ। आप इस पर टीम बना सकते हो अच्छी खासी? मेरी इच्छा है ये एक या किसी एक बड़े इंडियन को ले आए पंत जैसे मुझे लग रहा है, शायद ना फिर निकुलिस कोई और, मुझे नहीं पता, एक और इंडियन सुपर स्टार लेपर स्टार यहाँ से गया तो एक और को ले आए किसी को पकड़ है नेक्स्ट मूविंग ऑन टू के आर पे आ जाए के के आर पे आ जाए जिन्होंने अय्यर की बिल्कुल इज्जत नहीं की और अभी जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है एक्स अमाउंट लेकिन इनके पर से डिडक्ट होगी एक्स प्लस समथिंग अमाउंट अच्छा और अब इससे होगा क्या कि ये बेसिकली इनका आउट पे कम रह जाएगा अगर आपके पास कोई और थ्योरी है तो आप बताना कि ये क्या है बट बेसिकली अगर आप पांच प्लेयर रिटेन करते हो तो आपके सेवेंटी फाइव करते हैं लेकिन लेकिन उन्होंने उनको कम सैलरीज दी हैं तो बेसिकली इनका खर्चा कम होगा कटेंगे पर्स से उतना ही अवेलेबल इनके पास उतना ही रहेगा बट इन्हें खर्चा कम करना पड़ेगा तो इन्होंने प्लेयर्स को एग्री करा लिया कि तुम कम में खेल जाओ हमारे लिए अच्छा सो so खर्चा बच गया इनका ठीक है क्योंकि टोटल मनी स्पेंट इनका ऑप्शन सेवन करोड़ हाँ बट टोटल डिडक्शन है सिक्सटी नाइन करोड़ हाँ तो डिडक्शन पूरा होगा बट इनके खर्चा कम खर्चा कहा जाएंगे पैसे कहीं नहीं जाएंगे वो पैसे मतलब इन्होंने यूज ही नहीं किए तो कहीं तो मतलब नहीं वो है ही नहीं हो इनके में काउंट ही नहीं होंगे आप क्या वो शाहरुख खान सुहाना खान के एक्टिंग कोर्स में कितने ही लगा लो उससे तो कुछ नहीं होना ओए ऐसे मत भाई। आ, भाई? मुझे मुझे ऐसे बोल तो भाई क्या बोलिशौराना खान का मुंह दिखाना पड़ गया ऐसे फिर क्या बोलेंगे तो भाई मुंह पे सामने बोल देंगे कि बहन कुछ और कर ले एक्टिंग तो नहीं होती तेरे से सैलरी क्या आप अवेलेबल मुझे लगता है कि अगर केकेआर विमेंस टीम बना ले सोहाना कैन बी अ बेटर क्रिकेटर <laughs>

बड़ी बात यह कैप्टन किसे बनाएंगे अयर को रिटेन कर सकते थे बट एक आ, स्पो, जर्नलिस्ट ने कहा है उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा <laughs> उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा पर क्या वो नोएडा में उनका ऑफिस है और उन्होंने कहा है कि अय्यर ने तीस करोड़ रुपए मांगे हैं भाई डू यू बिलीव इन दिस आई डोंट बिलीव इन दिस नहीं लेकिन अगर अय्यर ने अठारह से ऊपर मांगे तो उसके बनते हैं क्योंकि वो आई ट्रॉफी विनिंग कैप्टन है पर डू यू रियली बिलीव कि उसे तीस करोड़ मांग मांगने होंगे नहीं यार यार करोड़ तो कुछ भी नंबर नंबर है नहीं मैं नंबर नहीं मैं पे जा रहा हूँ मांगे कि कोहली को भी अठारह से ज्यादा मिल रहे हैं पूरन को भी मिल रहे हैं क्लासन को भी मिल रहे हैं तो टीम अपने नंबर वन प्लेयर को वैल्यू कर रही है आप कोडोस टू के रिंकू सिंह को वैल्यू किया है किया भाई। इन्होंने रमनदीप को किया है इन्होंने बाकी लोगों को वैल्यू किया है अय्यर को क्यों नहीं किया मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तो कहता हूँ अगर अठारह था, से ज्यादा नहीं तो अठारह तो अयर को दे सकते थे मुझे तो लग, लग रहा है, है उसने यार मुझे लग रहा है बात खराब हो गई है अयर को भी डीपी नहीं दिख रही है शाहरुख खान हाँ क्योंकि रिंकू सिंह जो है इन्होंने हाँ। रिटेन किया तेरह करोड़ में रैक्स टू रिचेस भाई हाँ। अब अगर रिंकू भाई का नोएडा में फ्लैट था तो वरली सी, सी फेसिंग, फेसिंग क्या दिक्कत भाई, भाई, तो हाँ। और, और रमनदीप सिंह की वो जो कैच थी क्या कैच थी भाई उसके चक्कर में रमनदीप ने परफॉर्म किया है वो एक हाईलाइट हो गया रमनदीप उससे ख्याल चीजें पहले फिक्स हो गई थी रमनदीप ने सीजन में ही बहुत अच्छा किया है एंड उससे पहले भी अच्छा कर चुके हैं जो कैच तो है पहुंच गई रील्स पे आपके हाँ, पास उससे पहले भी बीन डूइंग डुंग ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी अभी बहुत सी इन खेल डिजर्व मूविंग ऑन टू गुजरात टाइटंस नाउ भाई यहाँ पे बलिदान डेढ़ करोड़ का डेढ़ करोड़ शायद हम हम दोनों ये कमा भी ना पाए पूरी हाँ, जिंदगी उतने शुभमन गिल ने ले मुद्दे डेढ़ करोड़ ले राशिद करोड़ हाँ, तेरे हाँ, हुए हाँ, लेकिन हाँ मेरे को विकटे चाहिए अब अगर विल जैक्स से छक्के खाए ना ना ना।, ना कोई बहाना नहीं चलेगा कि आब, भाई आज इधर ये हो गया हो गया नहीं 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 बड़ा शुभमन गिल ने आई थिंक बड़ा दिल दिखाया बड़ा दिल दिखाया भाई शॉर्ट जैब ने अपने राशिद खान को अठारह करोड़ मिल गए शुभमन गिल को सिक्सटीन करोड़ में रिटेन किया है गुड है भाई जीटी का सब देख ले साई सुदर्शन को रिटेन किया साढ़े आठ करोड़ में भाई बनते हैं राहुल तेवतिया के चार करोड़ शाहरुख खान के चार करोड़ वेरी हैप्पी मुझे स्टील डील लग रहे है हाँ। कि राहुल तेवतिया तो मतलब मोर देन वसूल कराएगा शाहरुख खान शाहरुख खान भी कराएगा बट राहुल तेवतिया भाई शाहरुख खान से बड़ा हिटर मैं उसे मानता हूँ मतलब हिटर हिटर, हिटर अच्छा तो शायद पैसों का है वो उसे मिल नहीं रहे भाई पूरे पंजाब राजस्थान ये जैसी टीमें उसको सामने दिखती हैं राहुल तेवतिया भाई सूद देता वो पकड़ गए मतलब राजस्थान से खेलते हुए अब उन्होंने उसको उसके बाद रिटेन नहीं किया तो प्लीज यार करेक्टिव वर्ड्स मेरे डीएम में ही बहुत भरे हुए हैं नहीं नहीं उनका भी वो पेल देगा आई एम श्योर जो भी उसके हाथ लगेगी भाई राहुल तेवतिया गुड बाय राहुल तेवतिया शाहरुख खान आई एम स्टिल आई सी बट यार नहीं नहीं शाहरुख खान भी कर रहा है अच्छा तो कर ही रहा हाँ। पंजाब की टीम से भी क्या था हाँ। पर वो एक, एक वैल्यू तो नौ ले गया था हाँ। तो वो, वो वाली वैल्यू नहीं है कि रिटेन होगा बट क्या पता इस साल बढ़िया कर, कर देगा तो दिया तो जीटी ने अच्छे करे नंबर ऑफ प्लेयर्स है है हाँ। एक रह गया और सैलरी पर्स अवेलेबल जो है अगेन किंग की किस एल एस जी वाला दोनों तीन तीन साल पुरानी टीम सबसे बड़ी रिलीज जिसकी बात हो रही है मोहम्मद शमी कि उनको उन्होंने नहीं रखा मुझे लगता है कि शमीज थर्टी फाइव अभी आप टीम बना रहे हो तीन साल के लिए तो क्या शमी तीन साल तक डिलीवर कर पाएंगे अभी भी जीटी नहीं जा रहे हैं यार यूट्यूब पे तो डिलीवर कर रहे हैं अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर ले ले फिर शायद जीटी भाई ऐसे प्लेयर लेने में फर्क है ना तो अगर जितने लोग नाराज हो रहे हैं शमी पे तो ये समझना पड़ेगा कि वो फास्ट बॉलर हैं वो थर्टी फाइव तो अगर जी उनके पीछे नहीं गई है तो रीज़न यही सारे हैं कि उनकी एज उनकी फिटनेस उन्होंने सही करा लिए है लेकिन और भी चीजें मैटर करती पर एक फास्ट बॉलर की बहुत इज्जत हो गई है मूविंग ऑन मुंबई इंडियंस जसप्रीत बुमराह विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जीतते ही कहा था ट्रेजर दिस प्लेयर ये जो है ये है बहुत और मुंबई ये बहुत है मुंबई की भी मीटिंग हुई थी तो भाई, भाई।, भाई, भाई, भाई।, हाँ। दो। दो भाई। फिल्में देखते थे उसमें आपस में सारे गैंगस्टर बैठ के टेबल पे और सुलह कर लेते थे तो मुझे लगता है इस टीम की भी जितने कलेश थे पिछले वन फैमिली ये वापस से बन चुकी है पांचों की जो फोटो आई है साथ में लंडन रहता है कोई कहीं रहता है सब हार्दिक पांड्या भी लंडन प्रैक्टिस करता रहता है अच्छा। उसकी वीडियोस देख, वो, ए, में, अच्छा। तो, तो ने ने लिया जी वैगन तो थी अब एक रेंज रोवर ले लिया बड़ी तगड़ी थी मिल रही है ना सोलाटी फाइव थर्टी फाइव क्यों नहीं लेगा सही बात है तो इन्होंने भाई सबको रिटेन कर लिया है मुझे लग रहा है बहुत ही किसी ने अगर मैनेज किया है ईगो को मनी hmm. को hmm. और अपने टीम के कोर को तो वो hmm. सब वेल डन मुंबई इंडियंस अब इसमें इंटरनेट पे बस एक क्वेश्चन उठ रहा है कि रोहित शर्मा को संजय मांजरेकर ने भी ये बोला है कि रोहित शर्मा को अगर इतने पैसे दे रहे हो तो आपको उसे कैप्टन बनाना चाहिए था बट दे हैव बैक्ट हार्दिक पांड्या वंस अगेन एंड रोहित शर्मा में भी अगेन कितनी टी क्रिकेट बची हुई है दो साल तीन साल तो आईपीएल हाँ। खेल जाएंगे वो तो जाएंगे। एक साइकिल और खेल जाएंगे तो देन फिर है वो भी। प्लेयर रूल तो हाँ। कैप्टेंसी तो करने नहीं आते थे रोहित शर्मा भाई तब भी से करा लेते जैसे अठारह करोड़ सर्य कुमार यादव सिक्स पॉइंट थ्री फाइव करोड़ हार्दिक पंडिया सिक्स पॉइंट थ्री फाइव करोड रोहित शर्मा 6.30 करोड़ 5 लाख कम मिले रोहित भाई को क्या वो डीआरएस के कटे जो रोहित भाई ले रहे हैं आजकल ज्यादा नहीं पता नहीं किस चीज ये दो मैच हारने के तो नहीं कट गए लाख रुपए कट गए हाँ। तिलक वर्मा आठ करोड़ गुड डील है भाई नंबर ऑफ प्लेयर्स रिटेन पांच है है आरटीएम इनके पास भी एक एंड आई थिंक दे विल यूज इट फॉर अंशुल कंबोज क्योंकि उसके स्टॉक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं भाई फास्ट बॉलर है जो नीचे आके बैटिंग भी कर लेता है मडवाल मडवाल बैटिंग नहीं करता है अगेन तो आई थिंक अंशुल कंबोज के लिए ज्यादा पीछे टीमें भागेंगी इन पे पैसे बचेंगे तो ये उसको लेंगे आरटीएम से सैलरी पर्स अवेलेबल जो इनके पास पैंतालीस करोड़ कम है और जो दो बंदूक लेके चलते हैं ये जब में कि हमें ये प्लेयर चाहिए भाई साइड चाहिए तो चाहिए।, चाहिए और राशिद चाहिए। खान से बातें हो रही थी पता हाँ। नहीं पूरी दुनिया ने यूट्यूब पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं हाँ। जितने भी लोग हैं उन्होंने तो बोलता राशिद खान की मुंबई से बात चल रही है राशिद खान जा रहे हैं मुंबई पर भाई गुजरात ने बोल दिया भाई दो तीन दिन और डिले होती अगर ऑक्शन तो आई थिंक ये कि पाकिस्तानी प्लेयर भी आ रहे हैं ये कि अकाय खोली भी खेल रहा रहे ये सारे रूमर्स भी आए थे पर वो ये सारे रूमर्स को गलत किया गुजरातियों ने कह दिया कि सुनो हर बार ऐसा नहीं होगा कि हर गुजराती हाँ। मुंबई चले जाए हर बार नहीं होगा तो वो भी एमवीपी है हमारा वो भी एमवीपी है तो ये ऑलराउंडर राशिद खान यही रहेगा और इनके पास अब राशिद खान तो नहीं आ सकता नेक्स्ट टीम चेन्नई सुपर किंग्स ओ, इनकी वीडियो तो जो आई है प्लीज जाके वो वीडियो देख लो इनकी धोनी वाली जो टेंशन पे मेरे इनसे कुछ सवाल हैं लेकिन वीडियो मुझे इनकी बेस्ट लगी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है भाई के साथ अच्छी वीडियो बनाई है 18 करोड़ दिए दे रहे हैं ऋतुराज को 18 ही दे रहे हैं जडेजा को और शिवम दुबे को कितने दे रहे हैं शिवम दुबे को मिल रहे हैं 12 करोड़ पथी को मिल रहे हैं 13 करोड़ और एमएस धोनी संत आदमी भाई चार करोड़ चाहिए फार्म स्ट्रॉबेरी मिल जाए स्ट्रॉबेरी उग जाए बाइक में पेट्रोल डल जाए वैसे भी उन्होंने कहा है कि इनकी जो बाइक्स हैं वो सारी चलती नहीं है

तो उसके भी मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था उन्होंने यही पूछा कि भाई क्या लग रहा है रिटेंशन के बारे में सो वो फैंस ने भी एग्री किया है कि दो लोगों को पैसे बहुत ज्यादा मिल गए क्योंकि अगर पंत को लाना है तो अब इस बजट के साथ ये पंत को नहीं ला सकते पंत जाएगा पच्चीस तीस करोड़ इनका पर्स रिमेनिंग कितना है भाई पचपन करोड़ तो तीस में फिर ये बाकी के बारह तेरह प्लेयर नहीं ला सकते ना दिक्कत हो जाएगी तो आई थिंक कौन सा प्लेयर हो क्या लेफ्टी बैटिंग करता है

से अब भाई जैसा भी कर रहा है है तो है हटा तो आप नहीं सकते में डिसेंट किया वही लेकिन हाँ इनके दो ओवर प्राइज्ड प्लेयर्स कौन से वो में मुझे जरूर बताना hmm. मैं वो गाली नहीं खाना चाहता उनका नाम लेके पता चला कल कहीं वो दो विकेट ले ले दो चौके मार दे मुझे घेर रहे है। लेकिन ओवर रिटेंशन हाँ. हो गई है थोड़ी सी यार राजस्थान रॉयल्स oh. सारे ही ही नहीं पैसे। मुझे लगता है deserves, सारे पैसे खर्च करती है, है। संजू सैमसन अठारह करोड़ लेस गो भाई संजू सैमसन कैप्टन है यशस्वी ये अठारह मैंने बोला था कि इसको बराबर मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे मेरा हमेशा से यही कहना था कि यशस्वी को फर्स्ट रिटेंशन दो अब जॉइंट फर्स्ट कर लिया उन्होंने वो अलग बात है बट आई ऑलवेज हिम टू बी रिटेंशन रियान पराग चौदह करोड़ ध्रुव जुरेल किसी ने रूमर में अब जितने भी रूमर्स की बात हो रही थी किसी के रूमर में ध्रुव जुरेल थे इस प्राइस पॉइंट पे तो डेफिनेटली नहीं थे हिट मायर की तो किसी ने बात ही नहीं करी भाई हाँ। किसी भी यूट्यूबर ने किसी भी जर्नलिस्ट ने नहीं, नहीं बोला को तो पता ही नहीं है कि वो भी खेलता है लोगों ने देखा हैटी, कौन मायर क्या वो अच्छा इन्होंने राजस्थान को मैच जिताया नीचे से अंडर में रेटेड प्लेयर अगर कोई है तो बैटर्स के संदीप शर्मा संदीप शर्मा सही बात है और संदीप शर्मा भी रिटेन चार करोड़ में नंबर ऑफ प्लेयर्स रिटेन छे आर टी एक भी नहीं बचा है और सैलरी पर्स अवेलेबल फोर्टी वन करोड़ सबसे कम इन्हीं के पास है क्या सबसे कम इन कमारे मतलब राजस्थान के पास है सबसे कम इन्हीं के पास है और इसके बाद भी इतना खर्चा करने के बाद भी बात इसकी नहीं हो रही है कि इसे ज्यादा पैसे मिले मतलब ये तो बेस्ट है ध्रुव के लिए कि उसे नजर नहीं लगेगी हाँ। क्योंकि उसके चौदह करोड़ पे बात नहीं कर रहा बात किस पे हो रही है बटलर को देने के लिए पैसे नहीं थे बटलर को तो नहीं मिले और क्या बटलर ने मैंने सुने अनफॉलो भी कर दिया है उसका हुआ है। okay, भाई। बहुत चोरियां इंग्लैंड में बढ़ है। से चोरी हो गई है हाँ, इंग्लैंड में कोहली भाई हम चले क्या इंग्लैंड नहीं कोली भाई, अब, आपने अब उल्टा करेंगे हम उन्हें इन्वेट करें हम उन्हें जाके सिविलाइजेशन ले आए नहीं सिर्फ हम जाके अब राज करें 150 साल उनके मेट्रो में हैं बढ़िया खराब हो गई है एक क्रिकेटर का अकाउंट है दूसरे की यह दिक्कत आ रही है अकाय कोहली का भी मैंने सुना है गली क्रिकेट में किसी से झगड़ा हो गया है अच्छा <laughs> तो भाई चलते हैं अब हम चलते हैं पे। अकाय कोहली ने फोन मिलाया डीएसपी सिराज कोई अब आप नहीं, नहीं, आप तो कह रहे हैं और गाड़ी पकड़ ली तो चाचा छुड़ा लो भाई पर मेरा डीएम भरा हुआ है और ऐसे मतलब लोग भी आपस में आर आर का इतना फैन भी नहीं हूँ बट आई एम हर्ट क्योंकि भाई जोर्स बटलर वॉज द फ्रेंचाइजी रेलिवेंट Hmm. संजू सैमसन आया संजू सैमसन को वो शाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगा बट जो उससे पहले कोविड वाला टाइम मुझे याद है भाई तब जहोस बटलर दो दो तीन तीन सेंचुरी मारता था सीजन की सो hmm. so, वो हल्ला हुआ कि राजस्थान रॉयल्स एक ऐसा बैटर निकल के आया जिससे सब डर के चल रहे हैं वो हल्ला इसलिए राजस्थान रॉयल्स ऐसी टीम तो नहीं है जो नहीं सोचती मतलब वो उनका जो मैनेजमेंट है इंडियन कोर को रिटेन करता है रियान पराग को देख कितना बनाया है रिटेन किया है चार साल बैक किया रियान पराग को उसने डिलीवर किया यशस्वी जायसवाल ध्रुव जुरेल भी प्लेयर तो अच्छा है भाई है ना और हिट्टी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आर की मैनेजमेंट ऐसी तो नहीं है कि जॉस बटलर को जाने दे या बात भी नहीं होगी यानी हमें नहीं चाहिए कुछ तो देना पड़ेगा आर टी एम तो नहीं है क्योंकि हाँ पर कुछ तो हुआ विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ लोग मुझसे पूछ रहे मुझे नहीं पता भाई हमारी सोशल मीडिया की टीम जो है मुझे लगता है कि तूने उसे तंग कर दिया ज्यादा तू रिंग लाइट

बात कर लेते हैं आर सी बी की जिन्हें कोई डरी नहीं है डी एस पी सिराज का क्राइम कर दिया उन्होंने पाटीदार को दे दिया ग्यारह करोड़ सिराज के टाइम पे बोल देख लेंगे ऑप्शन में देख लेंगे जहाँ पे जो उनका बेस्ट बॉलर होता है उसे वो रिटेन नहीं करते हैं और बोलते हैं ऑप्शन में देख लेंगे और वहां देखते भी नहीं है मतलब पैडल नहीं उठाते हैं। पैडल नहीं उठाते हैं वो ये भाई मैं आई एम हर्ट यार सिराज को कैसे नहीं ले सकती आर सी कोई एक बंदा जो इस टीम के लिए अगर अपना वन ट्वेंटी परसेंट देता था वो सिराज था सिराज के ग्यारह तो बनते थे अगर तुमने चिन्ना स्वामी में मैच देखा हाँ तो एक कोहली के पीछे और एक सिराज के पीछे पूरा चिन्ना स्वामी खड़ा होता था भाई जब सिराज पहला दूसरा ओवर डालता है वो जब सिराज मतलब आरसीबी यार हाँ भाई सिराज का सिराज तो अर्षदीप के साथ गलत हुआ उतना ही सिराज के साथ भी उसकी हलिया फॉर्म आप कह सकते हैं भैया नहीं चल रही है अब उसकी रीसेंट फॉर्म आप कह सकते हो की तो हाँ, कोहली और सिराज का जो बॉन्ड है कोहली मतलब सिराज के बिल्कुल साथ खड़ा था बैक करता हो सिराज लड़ाई लेले मेरा भाई देख लेगा कोहली भाई ने पूरा बैक किया सिराज को भाई सिराज तो यह था अभी बुलाऊं बड़े भाई को अभी बुलाऊं बड़े भाई को और कोहली पीछे से आता था टेस्ट मैचेस में टी में आज भी बड़े केसेस में सिराज जब फंस जाता है उसे समझ नहीं आता है क्रिमिनल क्या एक्टिविटी कर रहा है वो कोल भाई, कॉल भाई भाई कोहली को ही लगाता है बताओ और हम कहते हैं करप्शन है करप्शन है करप्शन क्यों नहीं आया बिल्कुल होगा अब अगर आप पुलिस वाले को सैलरी नहीं दोगे तो जो ट्रक वालों को रोक रोक के पांच सौ रुपए मांगेगा ही उनसे बिल्कुल अब अगर हैदराबाद में आज हैदराबाद में क्योंकि वो अब आज का आज मुंबई में है आज मुंबई में टेस्ट मैच चल रहा है मुंबई में आज अगर चलामान ज्यादा कट रहे हैं डीएसपी सिराज भाई, भाई, भाई मैच खत्म करके शाम को निकलेंगे ऑटो तो वालों से दो दूसरो प्लेयर बट एंड ऑल्सो विद दिस विराट कोहली 21 करोड़ बिकम द एक्सपेंसिव इंडियन क्रिकेटर एवर मच और यहां पे तू नहीं मैनिफेस्ट किया था कि कैप्टन

कोहली को वो लगता होगा ना यार कि लड़कियां भी जीत गई यार और एक ही चीज रह गई है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी जीत गया सब हो गया मैच जीता के खत्म करता हूँ रुको तो वो वैसा बंदा भी है रजत तो पाटीदार ग्यारह करोड़ अब यही है ना सिराज की रिटेंशन लगती है ये मुझे ये मुझे इसकी नहीं लगती हम्म ये वाली मुझे लगता है कि ज्यादा कर दिया इन्होंने पाटीदार दाव खेल लिया सिराज पे खेलना चाहिए पांच करोड़ फिर नाइन भी थी थी अच्छा, 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 बाँ बाँ किया, किया, सब कुछ किया, किया है। players, तीन रिटेन है, और अब इनके पास आरटीएम भी तीन बचे हैं तीन बचे है। क्या तब सिराज कोई कर लेंगे सिराजैक्स को पक्का करना चाहिए इन दोनों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए बट आरसीबी मैनेजमेंट जैसी है उनका तो अल्जारी जैसा कोई मिल एक टोपली और वो कौन है वोक्स कौन है जो चार ओवर में साठ रन दे चिन्ना स्वामी में उसे आते हैं बट विद दिस चहल चहलो कैन कम बैक टू आरसीबी कैन कम बैक क्योंकि सैलरी पर्स अवेलेबल है एट्टी थ्री करोड़ भाई करोड़ में आप युवेंद्र चहल को ले सकते हो आप जॉस बटलर के पीछे जा सकते हो मेरा तो पूरा दिल ले जाएंगे यार आर मुझे लग रहा है और इनके पास राहुल है ओपनर चाहिए इनको स्पिनर चाहिए फास्ट बॉलर चाहिए इनकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी है पर उतना ही बड़ा पर्स भी है डू द सेकंड लार्जेस्ट पर्स यस

राइट कमिंग टू एस आर एच अगर आपने चिन्ना स्वामी में मैच देखा है, तो आई विल रियली से आप एस आर एच के ग्राउंड में मैच देखो उनकी राजीव गांधी स्टेडियम

मुझे है वॉशिंगन सुंदर के भी रेट बहुत हाई हो गए एक दम से भाई... का ही चला जाए तब तो इन पे नहीं बचेंगे देने के लिए सैलरी अवेलेबल इनके पास भी कम है 45 करोड़ और इसमें इन्हें चाहिए कम से कम 13 बहुत प्लेयर चाहिए 13 तेरह मिनिमम स्कॉट वही आर आर के पास अगर 41 करोड़ है तो इनके पास 45 करोड़ ही बचे हैं और इनके पास एक प्लेयर भी कम है शायद हां उन्होंने 6 रिटेन किए पांच तो बस फिर इनके पास भी थोड़ी लेकिन वॉिंगटन सुंदर पे यूज हो सकता है बाकी ऐसा इसका नहीं लगता है को ऑनेस्टली कर पाएंगे क्योंकि वॉशिंगटन जा रहा है 15 सीआर प्लस और मैंने सुना सीएसके भी जा रहा है सुंदर जिस पे पैसे होंगे वहां जा रहा है सी तो एसके के पास पैसे बचे हैं पचपन करोड़ो भी घर लंडन में चोरी हो गई है तो बेन स्टोक्स तो कहेगा मेरे घर चोरी हो गई है अब मुझे और पैसा कमाना पड़ेगा वो तो भी आएगा ऑप्शन वो भी ऑप्शन में आएगा और पैसा तो वो भी तगड़ा लेके जाएगा ऋषभ पंत के एल राहुल विली कम गो बैक टू सी एस के

हाँ, ये ये तो हार्दिक पंडे जीटी तो बहुत आई थिंक हार्दिक पंडे को प्यार मिलेगा चाहिए वर्ल्ड चैंपियन बट इंटरेस्टिंग ऑल्सो मैं एक टेस्ट मैच भी थोड़ा सा बताता हूँ हाँ। टेस्ट मैच का सीन क्या चल रहा है नहीं डाले तो हमसे विकटेंटी टू फोर फाइव हो गया भाई मुझे सुंदर ने लिए क्या विकटे

सबसे बड़ा भाई भी मुझे लगता है पंत होने वाला है अब सबसे मोटा खर्चा भी पंजाबी करने वाली है आई स्टिल फील पंत विल गो टू पंजाब क्योंकि कि पंत तो ये सोचेगा दिल्ली से पंजाब में आया यार और ही नहीं है किसी के पास पैसे ही नहीं होंगे पंत को देने वाले जितने उन पे हैं सीएसके का तुझे तो कुछ नहीं पता भाई क्या ऐ, होता है खर्च करते क्या ले 25 करोड़ बाकी हम 30 लाख में बना लेंगे